नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोविंद और आप देख रहे हैं सटा देश। भारतीय रेलवे लगातार देश भर में वंदे भारत ट्रेन के नेटवर्क को बढ़ाने का काम कर रही है। एक के बाद एक कई राज्यों को वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिल रही है। अब इसी कड़ी में केरल को पहली वंदे भारत ट्रेन मिलने जा रही है। केरल को इसी महीने पहली वंदे भारत ट्रेन मिल सकती है। केरल में वंदे भारत का ट्रायल रन कल यानी 17 अप्रैल की सुबह किया गया है। तिरुवनंतपुरम से सुबह 5:30 पर वंदे भारत ट्रेन को एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन के लिए रवाना किया गया। बता दें कि केरल को मिलने वाली ये वंदे भारत तिरुवनंतपुरम से कासरगोड तक 530 किलोमीटर की दूरी को कवर करेगी। इस रूट पर वंदे भारत ट्रेन करीब 11 स्टेशनों पर रुकेगी। वहीं इस पूरी योजना के लिए 6,400 करोड़ रुपए खर्च भी किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि देश भर में अब तक 14 वंदे भारत ट्रेनें पटरियों पर दौड़ रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन एक हाई स्पीड ट्रेन है। यह देश में पहले 13 सिटीज को जोड़ने वाली वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है। यह भारत की 14वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन तिरुवनंतपुरम से कासरगोड तक 530 किलोमीटर की दूरी कवर करेगी। इसके स्टॉपेज के बारे में पूरी जानकारी अभी तक साझा नहीं की गई है। अब देखना यह है कि यह ट्रेन की शुभारंभ कब किया जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस ट्रेन को कब हरी झंडी दिखाई जाती है। भारत की 14वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को कब तक लोगों को समर्पित किया जाता है। भारत की अब तक की सबसे हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत ट्रेन रही है, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा इस ट्रेन को जल्द से जल्द पूरे भारतवर्ष में फैलाना चाहती है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस यह वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन काफी प्रचलित और काफी तेज गति से चलने वाली भारत की एकमात्र ट्रेन है। तो दोस्तों, अब देखते हैं भारत की 14वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कब पैसेंजर्स को लेकर पटरियों पर दौड़ना चालू करती है। ऐसे ही न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना ना भूलें।